Hello everyone, this is Vishal Marga here and I welcome you all to Navigate Group of Institute. दोस्तों बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं RSM, SSB या फिर मैं कहूँ राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड के बारे में कि दोस्तों ये जो राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड है इसने कुछ दिन पहले या फिर मैं कहूँ कुछ महीनों पहले राजस्थान जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज की थी, जिसके की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम फिल होने भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ COVID-19 यहाँ जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस थी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी थी। लेकिन वापस से राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड ने इस फॉर्म फिलिंग की जो लिंक है उसे 24 जून 2020 से ओपन कर दी है, जो कि 8 जुलाई 2020 तक ओपन रहने वाली है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम के लिए सिविल इंजीनियरिंग में क्या एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहेगा, इन सारी चीजों की वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बोला है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले या फिर जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम से जुड़े हर एक की पॉइंट्स को जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, उस एग्जाम का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था या फिर उस कट ऑफ के कंपैरिजन में आने वाला कट ऑफ कितना जाएगा, उस एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यह जो एग्जाम है किस लेवल की एग्जाम है और इस एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो किस लेवल में फ्रेम होते हैं, मैक्सिमम थ्योरिटिकल आता है या फिर जो है न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज्यादा आता है, ये जो दोनों का मिक्सअप है या फिर मैं कहूँ कि जो न्यूमेरिकल एज वेल एज जो थ्योरिटिकल पोर्शन है वो दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में पूछे जाते हैं। सो ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बताए किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यदि हम इन सारे की पॉइंट्स को एक साथ या उस एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले अच्छे से जान लें तो हमें वह एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। इस एग्जाम के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि दोस्तों जो राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ राजस्थान जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकाली है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यह लगा कि जो इस एग्जाम में डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि जो डिप्लोमा वाले हैं उनका सिलेबस अलग होगा, उनका एग्जाम पैटर्न अलग होगा और जो भी डिग्री होल्डर्स हैं उनका एग्जाम अलग होगा, उनका एग्जाम पैटर्न अलग होगा, उनका एग्जाम का सिलेबस अलग होगा। सो यहाँ पर दो एक ये जो दोनों पॉइंट्स है एक अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है या फिर मैं कहूँ कि डिप्लोमा वालों के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है और डिग्री वालों के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है। डिप्लोमा का सिलेबस यहाँ पर ज्यादा है या कम है और डिग्री का सिलेबस यहाँ पर ज्यादा है या कम है, आइए आगे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कि डिप्लोमा होल्डर्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। सो दोस्तों सबसे पहले तो यह एक जूनियर इंजीनियर की एग्जाम है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जूनियर इंजीनियर की एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हम किसी भी स्टेट की जूनियर इंजीनियर की एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ उन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, उनमें 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, वो हर एक एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं जो भी जूनियर इंजीनियर या फिर सब इंजीनियर लेवल की जितने भी एग्जाम होती है उन सभी के। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिप्लोमा में कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाले हैं। दोस्तों यदि मैं डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा में यहाँ पर मेनली 7 सब्जेक्ट्स इन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किए हैं, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यदि पहले सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो वो है यहाँ पर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इससे यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होंगे। यदि मैं कहूँ कि ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल का ही पार्ट है। जो दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट इन्होंने दिया है वह दिया है सर्वे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स को इन्होंने एक ही सब्जेक्ट बना के दिया है कि सर्वे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग,
वरना हम सारी एग्जाम में यहाँ पर इन दो सब्जेक्ट्स को अलग-अलग पढ़ते हैं, एक सर्वे का पार्ट एक अलग पढ़ते हैं एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जिसे कि हम क्यूएससी के नाम से भी जानते हैं, वो दोनों सब्जेक्ट हम अलग पढ़ते हैं। लेकिन इस एग्जाम में ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं एक साथ दिए हैं। अब यदि तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पे, तो वो रहने वाला है यहाँ पर सोइल इंजीनियरिंग, या फिर मैं कहूँ सोइल मैकेनिक्स। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पांचवा जो सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, जो कि WRE का ही पूरा पार्ट है। अब जो छठा सब्जेक्ट यहाँ पे है वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसे कि आप RCC के नाम से जानता है वो। एंड जो सेवन नंबर का सब्जेक्ट है एंड लास्ट सब्जेक्ट है वो है ऑटोकैड। दोस्तों ऑटोकैड जैसा कि आप सभी जानते हैं एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप एक जूनियर इंजीनियर लेवल के हैं तो आपको फील्ड में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए अब जो भी मैक्सिमम एग्जाम देख रहा हूँ, जैसे कि मैंने रेलवे की एग्जाम देखी, RRBJEE की जो एग्जाम देखी थी उसमें भी ऑटोकैड था, और ये जो राजस्थान की एग्जाम है इसमें भी ऑटोकैड है, और दूसरी भी कुछ स्टेट्स की एग्जाम देखी जिनमें कि अब ऑटोकैड कंपलसरी पूछा जा रहा है। तो ये तो रहे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो सेवन सब्जेक्ट्स हैं। अब हम वही बात करते हैं कि डिग्री वालों के लिए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या यही सब्जेक्ट्स हैं या इन सब्जेक्ट्स में और कोई से सब्जेक्ट्स को एडअप किया हुआ है। यदि दोस्तों बात करें हम डिग्री के सिलेबस की, तो डिग्री वालों के लिए ये जो सेवन सब्जेक्ट्स अभी हमने पढ़े या देखे, जैसे कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सोइल मैकेनिक्स या फिर मैं कहूँ सोइल इंजीनियरिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, और इसी के बाद में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला हमारा पोर्शन है, या फिर मैं कहूँ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट है, और ऑटोकैड, ये सात सब्जेक्ट जो डिप्लोमा में है वही के वही सातों के सातों सब्जेक्ट्स डिग्री वालों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को और एडअप किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एड होके आता है वो होता है हमारा फ्लूड मैकेनिक्स। उसी के बाद इन्होंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस को भी ऐड किया है, स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी ऐड किया है, और उसी के बाद यहाँ पर एक हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है उसको भी यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। सो मेनली ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर और एड अप होके आ जाते हैं। तो वही यदि डिप्लोमा की बात करें तो उनके लिए हमारे पास सेवन सब्जेक्ट्स होते हैं और डिग्री वालों के लिए यहाँ पर 10 सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों अब ये तो जो हमारी बात हुई के डिप्लोमा वालों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है और डिग्री वालों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, अब वही यदि हम बात करें कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों समझते हैं यहाँ पर कि इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ये जो एक एग्जाम होने वाली है आपकी राजस्थान जूनियर इंजीनियर की, इसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उस 120 क्वेश्चन में आपकी जो 80 क्वेश्चन है वह टेक्निकल से आएंगे और रिमेनिंग 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से। अब समझते हैं, जैसे हमने टेक्निकल का तो जो पार्ट है वह सिलेबस देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स से पूछा जाएगा। लेकिन वही यदि नॉन टेक में बात करें कि नॉन टेक में यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो जो नॉन टेक में है मेनली आपसे राजस्थान का GK पूछा जाएगा। राजस्थान के GK में क्या, वहां का कल्चर क्या है, वहां की जियोग्राफी क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ये सारी जितनी भी चीजें राजस्थान का एक या फिर पर्टिकुलर स्टेट का जो GK होता है उसी का यहाँ पर आपसे GK पूछा जाएगा। अब ये जो आपकी एग्जाम है, इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है बहुत दोस्तों 2 आवर्स की है। आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें कि आपको 80 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे, वही जो 40 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल से, या नॉन टेक्निकल में भी मैं कहूँ तो राजस्थान के GK से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी साथ ही साथ है। सो आप जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर अच्छे से प्रिपेयर करें, चाहे वो फिर टेक्निकल का हो या फिर आप नॉन टेक्निकल का हो, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अदर स्टेट से यदि बिलोंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं राजस्थान का GK पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। सो दोस्तों अभी इस एग्जाम में काफी समय ही है, सो मैं वही आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल के तो सब्जेक्ट्स लगभग लगभग आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं, सो उनकी तो जो स्टडी है वो जारी रखें। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए जितने भी कैंडिडेट्स राजस्थान को छोड़ के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं
उन सारे स्टूडेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजस्थान का जीके भी साथ ही साथ पढ़ें, क्योंकि ये इस एग्जाम में बस एक ही एग्जाम है। एक एग्जाम के बाद डायरेक्टली आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद आपका मेडिकल होकर आपके पोस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो इस एग्जाम का पे स्केल है वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल यदि राजस्थान जूनियर इंजीनियर की बात करें तो एक शानदार डिपार्टमेंट है, या मतलब इस बोर्ड के अंदर अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी में है, पीएचई में है, वाटर रिसोर्स में है, और राजस्थान एग्रीकल्चर में। ये चार डिपार्टमेंट हैं जो कि बेहद शानदार डिपार्टमेंट्स में माने जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेविगेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने व्यापम सब इंजीनियर के लिए एक लाइव क्लास सेशन लॉन्च किया है। उसी की तर्ज पे अभी जैसा कि देश में पूरा हमारे यहाँ जो कोरोना की स्थिति वह स्थिर नहीं हुई है, उसी को देखते हुए अभी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है। जितनी भी क्लासेस चल रही है अभी सारी ऑनलाइन चल रही है। जो हमने व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस लाइव क्लासेस लॉन्च की है, उसी की तर्ज पर राजस्थान जूनियर इंजीनियर का भी लाइव क्लास सेशन लॉन्च जल्द ही नेविगेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट करने जा रहा है। दोस्तों यदि आप यह लाइव क्लास सेशन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने कैंडिडेट्स इस सिलेबस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। और भी आपको इस लाइव क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी क्वेरीज है, सो जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं और मेल आईडी दिए जा रही है, उन नंबर पर आप या तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो गिवन ईमेल आईडी है उस पर आप हमें मेल करके भी आपके जो भी डाउट्स है वहाँ क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जब भी और भी जो नोटिफिकेशन वीडियो है वह आपको मिले सबसे पहले। और आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त या किसी करीबी और किसी रिश्तेदार जो कि राजस्थान जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मददगार साबित हो सकता है, तो उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। सो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।